महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी, 99 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। नागपुर साउथ वेस्ट से देवेंद्र फडणवीस तो कामठी से चंद्रशेखर बावनकुले लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले बोले, महिला और किसानों के लिए हमारी सरकार ने बहुत काम किए, वो हमें वोट देंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग के बाद होगा फैसला। काशी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 6,700 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, आई अस्पताल का उद्घाटन और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की आधारशिला। पराली को लेकर एक बार फिर शुरू हुआ राज्यों में टकराव, दिल्ली की सीएम आतिशी ने पंजाब में अपनी पार्टी की सरकार का किया बचाव, कहा पंजाब में पराली जलाने के मामले घटे, यूपी हरियाणा में बढ़े। दिल्ली के प्रशांत विहार में सीआरपीएफ स्कूल के पास ब्लास्ट से हड़कंप, स्कूल के आसपास की दुकानों और गाड़ियों के शीशे टूटे, धमाके के बाद बिखरा दिखा सफेद पाउडर। राजस्थान के धौलपुर में बस और टेम्पो की टक्कर में 12 लोगों की मौत, मृतकों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल, हादसे पर पीएम मोदी ने जताया शोक। 36 साल बाद घर में न्यूजीलैंड से हारा भारत, 2 विकेट गंवाकर न्यूजीलैंड ने जीता पहला टेस्ट मुकाबला, 3 मैचों की सीरीज में 0-1 से भारत पीछे।